हेलो व्यूवर्स, पद्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा ये गर्मियों के फूलों का जो सबसे खुशबूदार फूल होते हैं उस ये जैस्मिन का प्लांट्स है। इसको आम भाषा में मोगरा भी बोलते हैं। वो टॉपिक है मेरा आज का, और इसको कैसे ग्रो करें, इसमें कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाएँ, कैसे इसकी केयर करें, इसी बात का मैं इसमें शेयर कर रही हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। और आप हमारे चैनल को यदि पहली बार हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और हमारा वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम बात करते हैं इस जैस्मिन के प्लांट्स की। देखिए, ये गर्मियों के में अच्छा सा फूल देता है। वैसे तो ये एवरग्रीन पौधा है, लेकिन सर्दियों में ये इसमें फूल आने बंद हो जाते हैं, और अक्टूबर नवंबर तक इसमें बहुत अच्छे से ब्लूमिंग होगी। तो गर्मियों के सभी पौधे जैसे हम पहले से तैयारी कर लेते हैं कि हम लोग जनवरी फरवरी में ही इसमें अच्छे से गुड़ाई करके गोबर की खाद वगैरह डाल देते हैं। और इसमें प्रूनिंग का फ्रेंड्स बहुत महत्व है। आप इसकी लंबी लंबी ब्रांचेस होती हैं इस तरीके से, तो आप पहले ही हम लोग प्रूनिंग कर लेते हैं, और जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करते हैं उतनी ही इसमें नई नई ब्रांचेस निकलती हैं। और बीच बीच में भी आप प्रूनिंग करते रहें तो ये झाड़ी नुमा पौधा बन जाता है, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी स्वाभाविक है उतने ही अधिक हमारे इसमें फूल आएंगे। देखिए, हमारी हर ब्रांचेस पे देखिए कलियाँ आई हुई हैं इस समय, खूब ढेर सारी। तो सबसे पहले हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये गर्मियों का पौधा है, और जितनी तेज़ गर्मी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा इस पर धूप पड़ेगी उतना ही ज़्यादा अच्छे ये ब्लूम करेगा। तो आप लोकेशन में आप इसे ऐसी ही जगह लगाएं, चाहे ज़मीन में लगाएं, चाहे गमले में लगाएं, इसको अच्छे से धूप आप प्रोवाइड कीजिए तो ये अच्छा चलता है। अब आते हैं हम पानी पर। पानी के लिए इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रखें, और गर्मियों का पौधा है, पानी स्प्रे दे करके 2-3 बार करें तो मॉइस्चर इसमें बना रहे तो ये अच्छे से ब्लूम करता रहेगा। तीसरी चीज़ आते हैं हम इसकी फर्टिलाइज़र पर। तो फर्टिलाइज़र के लिए वैसे तो हम लोग इसमें गोबर की खाद पहले से ही डाल चुके होते हैं, और लेकिन अब गर्मियों में तो हम इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करते हैं। तो बीच बीच में हम इसमें अपना जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र हमने बना रखा है, अपना बनाना पील्स और सरसों की खली मिला करके एक पराला, उसको मैं 15 दिन पर डालती रहती हूँ। और बाकी जो फूलों में हम केले के छिलके का फर्टिलाइज़र है वो भी डाल देते हैं इसमें। यही हम फर्टिलाइज़र इसमें ऑर्गेनिक वाले डालते रहते हैं फ्लावरिंग के लिए, तो ये अच्छे से ब्लूमिंग करता रहता है। देखिए, इसके हर ब्रांच पर इसकी कलियाँ आई हुई हैं। तो आप इसको फर्टिलाइज़र 15-15 दिन पर देते रहें, बोन मील और इस सब का एक हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना रखा है लिक्विड वाला, वही डालें इस पर। इस समय गोबर की खाद वगैरह आप ना ही डालें, अच्छा है। और इसको लगाना फ्रेंड्स बहुत आसान है। इसका प्रोपोगेशन, इसके प्रोपोगेशन का टाइम वैसे तो दिसंबर जनवरी फरवरी में, यदि आप इसकी ब्रांच को इसको एयर लेयरिंग के थ्रू लगाते हैं। एयर लेयरिंग आपने देखा होगा, बूटी टाइप एक एक ब्रांच पकड़ी और नोड्स के पास से उसकी बूटी बांधते हैं। अभी बरसात में हम इसको करेंगे, और वैसे भी बरसात में तो फ्रेंड्स इसको ऐसे तोड़ करके और यहाँ से खुरोच करके थोड़ा सा हम यदि गाड़ देते हैं इसको गमले वगैरह में, तो इसमें बड़े आ जाती है और ये बहुत आसानी से लग जाता है। और इसका एक वीडियो मैं बनाऊंगी अभी बरसात में, इसकी इसको प्रोपोगेट करके पौधा बनाऊंगी तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो इसको लगाना भी बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। तो यही थोड़ा सा इसका ध्यान रखें, और इसमें खुशबू इतनी अच्छी आती है कि आप इसको थोड़े से फूल तोड़ के कटोरी में, यदि मंदिर में या ड्राइंग रूम वगैरह में आप रखिए तो बहुत अच्छे से खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। और देखिए, और बीच बीच में प्रूनिंग भी कर दें आप, जब जब इसके फूल की कलियाँ निकल जाएँ। देखिए, हर ब्रांच पे देखिए कली, और इसमें एक एक गुच्छे देखिए, इसमें करीब, इसमें देखिए, इस वाले में करीब कितनी कितनी कलियाँ लगी हुई हैं, इसमें देखिए करीब 5 कलियाँ हैं। तो इस तरीके से गुच्छों में इसमें फूल आते हैं बढ़िया से, देखिए खिलते रहते हैं और सूखते जाते हैं। तो उनमें से जो सूख जाएं उनको हटा दें, जिससे कि इसकी जो एनर्जी है वो दूसरे फूलों में हमारे जाए। ऐसे आप हटा दिया करें, ये देखिए, ये देखिए। और इसकी मिट्टी में बीच बीच में गुड़ाई करती रहें, जिससे इसको हवा मिलती रहे, मिट्टी इस तरीके की मॉइस्ट मिट्टी रखें।
तो ये पौधा अच्छे से ब्लूम करता है। गर्मियों का ये अच्छा पौधा और खुशबूदार पौधा है। इसे आप, मैंने तो ज़मीन में लगाया है, और आप इसे गमले में भी लगाएं, गमले में भी अच्छा चलता है। प्रूनिंग वगैरह करते रहें और इसको रखें तो, और इसमें बीच बीच में नीम ऑयल का छिड़काव भी करते रहें, जिससे कोई इंसेक्ट्स वगैरह इस पर अटैक ना कर सकें। और इतनी ही केयर है इसकी, और आप कीजिए और इसको लगाइए बरसात में। इसी से हम मल्टीप्लाई करके बनाएंगे पौधा, बहुत आसानी से लग जाता है, जड़ें इसमें आ जाती हैं और दूसरा पौधा प्रोपोगेट करके हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।